कोरोना संक्रमण रोकने के लिए नागपुर शहर में हर किसी के लिए अब मास्क पहनना सख्त और अनिवार्य हो गया। इसके लिए मनपा ने जुर्माने की रकम बढ़ा दी है। पहले 200 रुपए जुर्माना वसूला जाता था, जुर्माने की राशि 500 रुपए कर दी गई है। अब मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने सोमवार को आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण की तेज प्रसार को देखते हुए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर रहे हैं। बाजारों में अनियंत्रित भीड़ हो रही है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने खुद सीतावर्डी, इतवारी और मस्काफर क्षेत्र में बाजारों का दौरा किया है। प्रभारी सह पुलिस आयुक्त डॉक्टर नीलेश भनैया, पुलिस विभाग के उपायुक्त विक्रम साली व अन्य अधिकारी कर्मचारी भी साथ थे। सोमवार 14 सितंबर को जारी हुए शेड्यूल में 4 शहरों के लिए नई उड़ानें सेवा मिल गई है। हालांकि इन सभी शहरों के लिए नागपुर से पहले से उड़ानें आरंभ थी। इसमें दिल्ली का विमान नागपुर विमानतल पर रात में रुकेगा। शहर में पिछले लगातार संक्रमितों के रिकॉर्ड टूट रहे आंकड़े 2000 के आसपास सामने आ रहे थे। सोमवार को संक्रमितों की संख्या 1002 पर आई तो लगा यह राहत भरी खबर है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल आंकड़ा सोमवार को भी 2000 के पार ही होता, लेकिन जांच ही आदि की गई। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा लेने के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार परीक्षा आयोजित कर रही है। करीब 90% विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए तैयार है। ऐसे वक्त में विद्यार्थी सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा दे। उन्होंने सोमवार को राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। शाम को पत्रकार वार्ता में उदय सामंत ने उच्च शिक्षा विभाग की भूमिका पर प्रकाश डाला है। यशोधरा नगर क्षेत्र में एक घर में घुसा चोर घायल हो गया है। दरअसल रात में चोरी करने के लिए वह घर में प्रवेश कर गया। इतने में एक महिला नींद खुल गई। बचने के लिए चोर ने बिना कुछ सोचे समझे बालकनी से छलांग लगा दी, वह घायल हो गया। इतने में घर के सारे सदस्य जाग गए। सभी नीचे आए तो गेट के पास घायल अवस्था में चोर को देखा, सब भौचक रह गए। जिलाधीश रविंद्र ठाकुर ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए शुरू की गई मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मुहिम पर जिले में प्रभावी रूप से अमल करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधीश ने अपने ऑनलाइन संदेश में इस मुहिम में नागपुर जिले व मनपा के जनप्रतिनिधि स्वयं से इस संस्था को शामिल होने का आह्वान किया। मनपा के पूर्व आयुक्त तुकाराम मुंडे ने नागपुर में कोरोना संक्रमण की परिस्थिति को देखते हुए अगस्त के पहले सप्ताह में 15 दिन का लॉकडाउन लगाने की तैयारियां की थी, लेकिन उस समय नेताओं से लेकर व्यापारी मुंडे का विरोध करने के चक्कर में लॉकडाउन के लिए राजी नहीं हुए। अब परिस्थिति हाथ से बाहर जाने पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में एक एक कर सभी लॉकडाउन लगाने की मांग कर रहे हैं। कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर दिन 1500 से 2000 नए मरीज मिल रहे हैं, लेकिन पिछले 7 माह में चिकित्सा सेवा को लेकर प्रशासन की ओर से कोई खास नियोजन नहीं किया जा सका। उल्लेखनीय है कि 25 लाख की जनसंख्या वाले शहर में कोविड के केवल 2837 बेड है। इसमें सरकारी कोविड हॉस्पिटल में 1250 और निजी में 1587 बेड शामिल है। नई दिल्ली सिकंदराबाद एक्सप्रेस सोमवार सुबह 5:25 पर आने वाली थी। इस ट्रेन से जाने वाले यात्री भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन ट्रेन रद्द की गई है। उन्हें बेरंग होकर लौटना पड़ा है। प्रशासन की इस अव्यवस्था के प्रति उन्होंने नाराजगी जताई।